नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमपी परीक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसे न तो आप लोगों ने आज से पहले कभी पढ़ा होगा, और अगर आज आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वहां से उठने वाले एक एक सवाल को आप काली घाटी के पीछे ले जाएंगे। तो जी दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सिलोलिज्म एंड स्पेशल केसेज की। अब यह है क्या गुरु जी, ऐसी क्या बात चल रही है? तो बेटा, आज मैं बात करने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली फ्यू वाले पे। कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली और ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, पहले तो ये बताएं। देखो बेटा, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से बताऊं कि भैया, अपने पास जैसे मान ले, ये पूछ ले, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि अपने को पता होता है कि ऑल ए आर बी, जब अपन कहीं पर लिखते हैं कि भैया ऑल ए आर बी, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि सर इतनी सी बात आपने पढ़ाया तो है कि सभी के सभी ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, देन ओ एल आर बी ए आर बी, देन सम बी आर सी एंड सम ए आर सी इज करेक्ट, मतलब ठीक है। अगर कहीं पर आपको केवल ये दिया जाए कि ए आर बी, जहां पर आपको कोई साइन नहीं दिया जाता कि ए आर बी, तो बेटा उसको फुल्ली लोडेड क्या मानोगे कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, ऑल ए आर बी ही होता है। लेकिन बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है बेटा, जहां पर लिखा होता है ओनली ए आर बी, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बेटा आप हेलीकॉप्टर बन जाओगे। मतलब इसका मतलब है बेटा केवल ए बी है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? पहली बात तो ये जो ओनली लगा है ना दोस्तों, ये वजन है इसके ऊपर, इस ओनली का बहुत बड़ा अधिकार है, इस ओनली का बहुत भयंकर कारण है बेटा। इस कॉन्सेप्ट को समझना ओनली यार के, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि गुरुजी इसका डायग्राम हमेशा यही तो बनता है, मैं बोलूंगा बेटा गलत है। डायग्राम जो इसका बनेगा बेटा, डायग्राम क्या बनेगा ओनली ए आर बी, अगर कहीं पर ओनली ए आर बी लिखा हो तो इसका मतलब होता है बेटा कि ऑल बी आर ए, ध्यान दीजिएगा कि सभी के सभी बी क्या है, ए है। लेकिन इसके ऊपर एक प्रतिबंध लगा हुआ है, इसके ऊपर एक 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 बेजोड़ तरीके से एक बंदिश लगी हुई है कि भैया आपको बोल दिया कि सभी के सभी जो बी है वो ए है, यानी ए का ये वाला पार्ट बी होगा, लेकिन इस बी का रिलेशन किसी और से नहीं होगा, मतलब ऑल बी आर है। अगर कहीं पर ओनली ए आर बी लिखा हो तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है बेटा ऑल बी आर है, बट बी कैन नेवर मैक रिलेशन विथ एनीवन। मतलब इसका मतलब यह है बेटा कि जहां पर ओनली ए आर बी लग गया वहां सभी के सभी बी क्या है, ए है, लेकिन इस बी का बाकी सब एलिमेंट से ना के बराबर रिश्ता है, मतलब नॉन रिश्ता है, मतलब अपन बेटा इसको क्या कहते हैं, नकारात्मक रिलेशन में बदल देंगे, मतलब इसका किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि सभी के सभी बी ए तो है लेकिन बी का रिलेशन किसी और से नहीं होगा, समझ लो, बी का रिलेशन किसी और से नहीं होगा। जैसे मान ले आपके पास ये डायग्राम दे दिया जो मैंने बनाया है कि ओनली ए आर बी, तो ये बी ए हो गया और यहां पर लिख दिया सी। अब आपको ये लिखा जाए, आपको बोल दिया जाए कि बेटा सम बी आर सी, तो बेटा इससे पहले मैं आपको क्या बोलता था हमेशा कि जब भी बी और सी की बात होगी हम क्या बोलेंगे, संभावना, हम क्या बोलेंगे, संभावना। लेकिन जहां पर ये ओनली ए आर बी वाला काम हो गया, इसका मतलब बेटा कि केवल बी जो है ए है, बी का रिश्ता किसी और से नहीं हो सकता, तो यह कन्फर्म क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। आपको बोला जाए ऑल बी आर सी, तो बेटा ये कन्फर्म क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, आपको बोला जाए कि नो बी आर सी, ये कन्फर्म सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि सभी बी ए हैं, सभी जो बी है वो ए है, लेकिन बी का रिश्ता किसी और से नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो बेटा ये ओनली ए आर बी वाला कॉन्सेप्ट है, इसे रट लो, घोड़ के पी जाओ, इसका मौसम बढ़ा दो। चलो, ये तो रहा ओनली ए आर बी वाली बात। अब बेटा कई बार क्या होता है, एफ यू वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम पूरा तीतरी कर देंगे इस कॉन्सेप्ट को, आग लगा देंगे बेटा इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में, घबरा तो क्यों, ठीक है। जैसे अपने पास कई बार क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं बेटा, क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं कि आपको बोला जाता है बेटा सम ए आर बी, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई गुरु जी इतनी सी तो बात है, ए का कुछ हिस्सा क्या हुआ, बी है, देन सम बी आर इज ऑल्सो राइट। देन आपको बोला जाए कि फ्यू ए आर बी, इसका मतलब भी यही होता है सम ए आर बी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला जाए ए फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब भी यही होता है सम ए आर बी। लेकिन अगर आपको यह बोला जाए
ओनली ए फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। तो बेटा इसका क्या मतलब होता है, इस डायग्राम का मतलब क्या होता है? इस डायग्राम का मतलब ये होता है कि जहां पर ये ओनली लग गया तो बेटा ए का कुछ हिस्सा तो क्या होगा, हमेशा बी होगा। साथ ही इस ओनली के लग जाने से एक नया कंक्लूजन और आ गया कि ए का कुछ हिस्सा ही बी होगा 100%, पर बाकी का हिस्सा बी नहीं है, यह कन्फर्म है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर सम ए आर बी, ये तो कन्फर्म सही होगा, लेकिन बेटा सम ए आर नॉट बी, ये भी ये साथ के साथ लेकर आया है, ये भी ये साथ के साथ सही होगा। जी हां, आप लोग चक्री में पढ़ रहे हो, मतलब जहां पर ओनली लग गया इसका मतलब है ओनली ए आर बी, बट ओनली ए आर बी बट सम ए आर नॉट बी इज आल्सो करेक्ट। ओनली लगते ही ए का कुछ हिस्सा तो बी है, पर ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, यह भी कन्फर्म सही होगा। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, वो कैसे समझ में आएगी दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर अपने पास ये जो कुछ एक क्वेश्चन है, कुछ एक स्टेटमेंट है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, आप इसको देखिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओनली ए आर बी डायग्राम बहुत प्यारा है, ओनली ए आर बी का मतलब है ऑल बी आर ए बट बी नॉट बी अनदर, सम ए आर सी, ए का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा, ए का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा, देन सम सी आर बी, देन सी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा। एक बार इसको देखो, मनन करो, कंक्लूजन पे जाओ कि बेटा कंक्लूजन क्या कह रहा है, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि भैया कंक्लूजन क्या कह रहा है। एक बार कंक्लूजन पे जाइएगा, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि बेटा क्या है, सोचिए एक बार इसमें क्या आंसर आ रहा है, चलिए सोचकर बताइएगा तभी जाके आपका पार पड़ेगा बेटा, नहीं तो मामला कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी लेना देना नहीं है। यहां पर सोचने के बाद में हमें क्या पता चला, यहां सोचने के बाद में हमें पता चला कि एक कंक्लूजन जो हमारे पास आ रहा है क्या आ रहा है कि बेटा सम बी आर नॉट सी, हमें पता है आपको पता है कि केवल पूरा का पूरा जो बी है वो ही ए होगा और बी का बाकी के एलिमेंट के साथ हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि सम बी आर नॉट सी, बी का कुछ हिस्सा सी नहीं है बेटा, इस बार यह कन्फर्म सही हो जाएगा, इस बार यह कन्फर्म सही हो जाएगा। नो डी आर बी, अरे भाई जब बी का सी के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि साफ साफ हमने ओनली वाले केस में देखा है बी का रिलेशन केवल ए के साथ है, बाकी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो बी का डी के साथ भी रिलेशन नहीं होगा, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, कंफर्म सही हो जाएगा। अब ऑल ए आर डी इज पॉसिबिलिटी, अब बेटा सभी ए का डी होना एक पॉसिबिलिटी है। आप लोगों के दिमाग में फितूर रहता है कि कुंडारा जी आपने तो संभावना वाले क्वेश्चन बोले, पॉसिबिलिटी वाले सवाल बोले, पॉसिबिलिटी वाले पढ़ लो कहीं पर भी सही कर दो, बाद में संभावना बढ़ा देंगे, ना मुन्ना ना। मुझे एक बात बताओ, जब पूरा का पूरा बी डी नहीं है, पूरा का पूरा बी सी नहीं है, तो सभी ए डी कैसे हो सकते हैं बेटा, एक कन्फर्म रॉन्ग हो जाएगा। ऑल बी आर सी इज पॉसिबिलिटी, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। भैया जब पूरा का पूरा बी कभी सी नहीं हो सकता तो पॉसिबिलिटी केस नहीं होगा। सम सी आर बी इज पॉसिबिलिटी, सी का कुछ हिस्सा भी कभी बी नहीं होगा बेटा, यह भी पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगा। तो आपका यहां से जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। ये एक स्पेशल केस है दोस्तों, हर जगह पर हर टाइम पर ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, बहुत कम चीजें हैं जो आप लोगों को सिखाई जाती है। मैं थोड़ा सा अपग्रेड करके इन चीजों को पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फीलिंग समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन की बात बताएं, अगला क्वेश्चन है बेटा, इससे ये क्वेश्चन आप लोगों का और समझ में आएगा। देखो ओनली ए फ्यू ए आर बी यानी कि सम ए आर बी, ठीक है, ओनली ए फ्यू ए आर बी यानी कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो बेटा सम बी आर सी हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देन ऑल ए आर डी, तो बेटा सभी के सभी ए क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। एक बार देखो, मंथन करो, मैं थोड़ा हटता हूं, आप सीखे समझे उसके बाद में बात करें, केवल 30 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद में मौसम बन जाएगा बेटा आप लोगों का। जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी बताइएगा, केवल 30 घंटे का टाइम है, उसके अलावा और कोई टाइम नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, यहां क्या कह रहा है, थोड़ा सा नजर है फेरा के आराम से देखिएगा। ये कह रहा है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ बी ए है, तो बेटा जब ए का कुछ हिस्सा बी होगा तो बी का भी तो कुछ हिस्सा ए होगा, तो ये तो कन्फर्म सही है। सम डी आर बी, तो बेटा डी आर का भी बी है, ये भी कन्फर्म सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। देखो बेटा क्या कह रहा है, ओनली फ्यू ए आर बी में, ओनली फ्यू ए आर बी में क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है कि देखो ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब है कि ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है।
लेकिन बेटा ए का कुछ हिस्सा बी है, लेकिन ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ये भी कंफर्म सही होगा। सम ए आर नॉट बी, ये कंफर्म सही है। अगर आपको ये कह दे, अगर आपको ये कह दे कि ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, तो ये तो सही है, हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये कह दे कि ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ये कंफर्म गलत हो जाएगा। बेटा सभी बी ए हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सभी ए बी नहीं हो सकते, क्योंकि साथ में हमारे सामने क्या है कि सम ए आर नॉट बी क्यों आया है, क्योंकि बेटा यहां पर ओनली ए फ्यू लगा हुआ है। अब नीचे वाला क्या कह रहा है कि ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, तो बेटा कभी भी नहीं होगा, ये कंफर्म गलत हो जाएगा। ऑल डी आर बी इज पॉसिबिलिटी, तो बेटा सभी की सभी डी जो है वो बी हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि ये ए बी तो उसके अंदर है, और जब ए का कुछ पार्ट कभी भी बी नहीं हो सकता, तो डी सभी केस हो सकते हैं, तो बेटा ये भी कंफर्म क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल बी आर इज ए पॉसिबिलिटी, सभी बी जो है वो ए है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो बेटा ये कंफर्म सही होगा। तो यहां से आपका आंसर अनुसरण करेगा पहला, दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये कुछ स्पेशल केसेस थे जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, आप लोगों का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी, और ऐसे और भी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एमपी परीक्षा, और बने रहिएगा अपने भाई के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, राम राम डाडेश्वर, राम राम।